आजकल श्राद्ध के नाम पर नाटक हो रहा है। श्राद्ध कराने वाला पंडित को व्याकरण शास्त्र का अच्छे से अच्छे ढंग का बोध होना चाहिए। जिसको व्याकरण नहीं ज्ञात है वह कर्मकांड कराने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि पितरों पाठ्यमिच्छन्ति भाव मुच्यन्ति देवता। अगर व्याकरण नहीं आता तो शुद्ध संकल्प नहीं होगा, और शुद्ध संकल्प नहीं होगा तो फिर चिट्ठी कितना हो अच्छी हो, यदि पता अच्छा नहीं होगा तो चिट्ठी पहुंचने वाली नहीं। श्राद्ध भी वेद विधि से हो, श्राद्ध की विधि है, उसमें वैदिक कर्मकांड की मान्यताओं का विशेष ध्यान रखते हुए, वैदिक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए जो श्राद्ध करता है, जीविते वाक्य करणात् छयाहे भूरि भोजनात् गयायां पिंडदानात् च, गया में पिंडदान करना सबके बस की बात नहीं महाराज। कितने लोग हमसे मिलते हैं कहते हैं महाराज हमारे तो खानदान में आज तक कोई गया ही गया नहीं, कोई गया गया ही नहीं। क्यों? बोले महाराज जब गया जाने के लिए हम सोचते हैं तो कोई न कोई मर जाता है। हमने कहा भैया इस संसार में जो गया नहीं गया वो गया कि नहीं, जो गया गया वह भी गया और जो गया नहीं गया वह भी गया, क्योंकि संसार में जो भी आया है जाना निश्चित ही है। लेकिन गया श्राद्ध की विधि क्या है? आजकल जितने भी गया श्राद्ध की विधियां हैं वो सब उल्टा सीधा देखने को मिलता है। गया की वास्तविक विधि क्या है? बहुत लोग गया की विधि नहीं समझते। मेरे गुरुजी ने एक मुझे श्लोक लिखाया था जब मैं विद्यार्थी जीवन में पढ़ता था काशी विश्वविद्यालय में, तो गया श्राद्ध के विषय में उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखाया और उन्होंने कहा कि यह श्लोक श्राद्ध मालिका नामक ग्रंथ में वर्णित है। वह ग्रंथ मुझे देखने को तो नहीं मिला, लेकिन गुरुजी ने मुझे जो नोट कराया था मैंने उसे याद कर लिया, स्मरण कर लिया। गया श्राद्ध की वास्तविक विधि क्या है? देखिए विधि और निषेध का बोध बहुत आवश्यक है। हम क्या करें कैसे करें और क्या न करें क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध होना चाहिए। तो गुरुजी ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखाया कि नारायण बलिम कृत्वा तत्पश्चात त्रिपिंडनम, नारायण बलिम कृत्वा तत्पश्चात त्रिपिंडनम, पार्वण गया श्राद्धे ते प्रेतो पितरि निश्चितम, गया तीर्थेन आगत्य श्रवणम भागवत कथा, विप्रान भोजयिष्येत प्रेत मोक्ष प्रदो भवः। ये गुरुजी ने श्राद्ध मालिका का श्लोक लिखाया। नारायण बलि श्राद्ध करे गया जाने से पहले। बोले महाराज हमारे मन समय तो कोई अकाल मृत्यु मरा ही नहीं और जो मरा उसका नारायण बलि भी हो गया? नहीं नहीं, अज्ञात नाम गोत्राणाम की नारायण बलि होनी चाहिए। नारायण बलि कृत्वा तत्पश्चात त्रिपिंडनम, इसके बाद त्रिपिंडी श्राद्ध होना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध के बाद आंगन में पारवण श्राद्ध होना चाहिए, तब गया जाना चाहिए और गया से आकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहिए। ये भागवत की विधि है, गया की विधि है। और इसके बाद तब ब्राह्मणों को अपने इष्ट मित्र स्वजन बंधुजन बांधवजनों को भोज देकर भंडारा करा करके और श्राद्ध को पूर्ण करना चाहिए।